हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। 8 अप्रैल 2019 की प्रीलिम्स एडिटर सीरीज़ में आपका स्वागत है। चलते हैं आज की हमारी कुछ क्वेश्चंस की तरफ, फिर देखते हैं आज की हमारी न्यूज़। पहला जो क्वेश्चन है वो है सेंट्रल स्टैटिकल ऑफिस को लेके है। देखो, सेंट्रल स्टैटिकल जो ऑफिस है ये किसे कंपेयर यहाँ पे पूछा गया है। पहला ऑप्शन दिया गया है नेशनल अकाउंट, दूसरा दिया गया है, यहाँ पे एक सेकेंड पेन ले लेते हैं, सेकेंड दिया गया है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, थर्ड है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, और चौथा दिया गया है एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज। देखो, सेंट्रल स्टैटिकल ऑफिस है वो इन चारों से रिलेटेड है, वो है तो वैसे सेंट्रल स्टैटिकल जो ऑफिस है इसके द्वारा चारों चीज़ों को फोकस किया जाता है। जो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है वो भी यही जारी करता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स भी यही जारी करता है, और एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज है वो भी यही जारी करता है। और यह ध्यान रखना है कि आरबीआई जो भी मॉनेटरी पॉलिसी से गाइडलाइंस वगैरह बनाती है ना, तो वो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को ध्यान में रख के बनाती है। तो ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है कि आरबीआई की जो भी मॉनेटरी पॉलिसी फोकस की जाती है वो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के बेसिस पे ही की जाती है। यूपीएससी है, पूछ सकती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो है डिलिमिटेशन कमीशन ऑफ इंडिया को लेके। करेक्ट स्टेटमेंट हमें आइडेंटिफाई करना है। पहला दिया गया है कि यह कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, दूसरा यह दिया गया है कि इसका जो भी ऑर्डर है इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता, और थर्ड ये स्टेटमेंट दिया गया है यहाँ पे कि इसका जो ऑर्डर है इसको लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा मॉडिफाइड भी नहीं किया जा सकता। तो देखो, सबसे पहला फैक्ट यहाँ पे है कि डिलिमिटेशन कमीशन होता क्या है। देखो, आज़ादी के बाद पहला डिलिमिटेशन कमीशन है वो बना था 1952 में, उसके बाद 62 के इस प्रकार बने थे। ये बेसिकली जो हमारी जनगणना होती थी, सेंसस होता था, इसके बाद में इसको स्थापित किया जाता था। ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, एक स्टेचुरी बॉडी है। पहली बात तो ये है, डिलिमिटेशन एक्ट है बाकायदा, इसके तहत इसका निर्माण है वो किया गया है। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाता है। तो वैसे तो इसका आंसर वो यहाँ पे हो जाएगा अपने पास ही कि सेकेंड और थर्ड बिल्कुल सही है, बट हम कुछ फैक्ट देख लेते हैं डिलिमिटेशन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में। देखो, डिलिमिटेशन कमीशन ऑफ इंडिया का काम यह है कि लोकसभा और राज्यसभा की जो सीटें हैं ना, आपको पता है कि इनकी जो सीटें होती हैं लोकसभा और राज्यसभा की, ये जनसंख्या के आधार पर होती हैं। तो इनको बंटवारा करने का सारा काम है वो डिलिमिटेशन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। तो अभी लास्ट जो डिलिमिटेशन कमीशन है वो 2002 में बना था, ये ध्यान रखना है। और 2026 तक लोकसभा और राज्यसभा की सीटें फिक्स की गई हैं कि भाई जितनी सीटें 545 हैं वो फिक्स रहेंगी, इसमें कोई भी हेराफेरी नहीं की जा सकती। क्योंकि देखो, होता क्या है कि बार बार आपको पता है कि कई बार कुछ स्टेट हैं वो ऐसी पॉलिसी लेके आते हैं कि वो जनसंख्या को कंट्रोल करते हैं, और कुछ स्टेट की जो फैमिली प्लानिंग पॉलिसी है वो काफ़ी वीक रहती हैं। जैसे कि हुआ क्या था, 1976 के टाइम के बाद कुछ इस प्रकार हुआ था कि जो नॉर्दर्न स्टेट थे, नॉर्मली यूपी हुआ, राजस्थान, बिहार, इन स्टेटों में क्या है कि जो फैमिली प्लानिंग थी वो पूर रही थी, मतलब यहाँ पे जनसंख्या की ग्रोथ रेट ज़्यादा रही थी कंपेयर टू साउथ इंडिया के स्टेट की वजह। तो हो क्या सकता है, देखो फ्यूचर में तो फिर ऐसे भी हो सकता था उस टाइम पे कि भाई जो अगर जनसंख्या के आधार पे सीटें मिलेंगी, इसका मतलब तो नॉर्दर्न इंडिया वाले स्टेट हैं इनके पास ज़्यादा लोकसभा राज्यसभा की सीटें होंगी कंपेयर टू साउथ इंडिया को लेके। तो ऐसे काफ़ी सारे इशू हुए थे, इसकी वजह से डिलिमिटेशन कमीशन ने 2002 तक सीटें फिक्स की थी, और अभी 2002 के बाद में 2026 तक ये सीटें फिक्स की गई हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि डिलिमिटेशन कमीशन ऑफ इंडिया है क्या। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वह है ऑपरेशन ग्रीन को लेके है। पहला स्टेटमेंट ये दिया गया कि इसका मेन ऑब्जेक्टिव है वो प्राइस जो वोटिलिटी होती है एग्रीकल्चर कम्योडिटीज़ में, नॉर्मली वेजिटेबल्स यानी सब्जियों में, इसको मतलब रिड्यूस करना है, कम करना, मतलब जो प्राइस अस्थिरता होती है इसको कम करने का मेनली इसका काम होता है। सेकेंड स्टेटमेंट ये दिया गया है कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर जो वेलफेयर है ये इसको रेगुलेट करती है। देखो, जो ऑपरेशन ग्रीन है ना, ये बेसिकली टमाटर, आलू और प्याज, मेनली जो तीन वेजिटेबल हैं, इनकी जो प्राइस में काफ़ी अस्थिरता रहती है। देखो, आपने देखा होगा कि एक बार टमाटर काफ़ी महंगे हो जाते हैं, कई बार काफ़ी सस्ते हो जाते हैं। तो इसकी जो अस्थिरता है इसको कम करने के लिए बेसिकली ऑपरेशन ग्रीन है वो स्टार्ट किया गया है मेनली, सॉरी, वीबीए बेसिकली चलता है, और यह बेसिकली फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री की स्कीम है, ना कि एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री की। इसमें होता क्या है कि अगर जब बम्पर पैदावार होती है तो उस कंडीशन में तो आप स्टोक कर लो, और जब डिमांड बढ़ जाती है तो आप जो स्टोक आपने किया है उसको आप फिर मार्केट में रिलीज कर दो, ताकि प्राइस में जो ज़्यादा डिफरेंस आता है वो ना आ सके। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है लक्ष्य इनिशिएटिव को लेके है। लक्ष्य इनिशिएटिव है वो कौन सी मिनिस्ट्रीज का है। तो देखो, लक्ष्य इनिशिएटिव है वो है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर को लेके। है क्या लक्ष्य का,
लक्ष्य इनिशिएटिव का मोटो ये है कि जो लेबर रूम का मतलब जहाँ बच्चे की डिलीवरी होती है, फिर हम बोल सकते हैं कि डिलीवरी जो रूम होता है बच्चे के लिए, उस रूम के अंदर जो मेटरनल मोर्टिटी रेट है, बाकी बार क्या होता है कि वुमेन की डेथ हो जाती है, साफ सफाई पर फोकस नहीं किया जाता, तो जो वुमेन की हेल्थ है इसके ऊपर भी फोकस किया जा सके, उनको और ज़्यादा एम्पावर किया जा सके और वहाँ पर उनको कोई दिक्कत ना हो, उनकी साफ सफाई सारी चीज़ों पर फोकस करने के लिए लक्ष्य इनिशिएटिव है वो स्टार्ट किया गया है। तो ये हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री का इनिशिएटिव है। बाकी जो आज का आर्टिकल आया है वो है फेम सेकंड स्कीम को लेके। देखो जो फेम स्कीम है ना, ये बेसिकली आपको पता होगा फेम स्कीम का पहला फेज भी आया था और अभी सेकंड फेज है वो जारी किया जा रहा है, जो कि नीति आयोग और रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट है इसके द्वारा टेक्निकल एनालिसिस किया गया है फेम स्कीम के सेकेंड को लेकर। तो अभी रिपोर्ट्स वगैरह हैं, जो पोटेंशियल है इसके ऊपर फोकस किया जा रहा है। तो पहली बात है कि भाई फेम स्कीम है क्या। देखो फेम स्कीम का मतलब है फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल। हाइब्रिड व्हीकल वो होते हैं जो पेट्रोल डीजल और इलेक्ट्रिक दोनों से चलते हो, मतलब या तो पेट्रोल से भी चल रहे हो और इलेक्ट्रिसिटी भी चल रहे हो, या फिर डीजल और इलेक्ट्रिसिटी चल रहे हो, मतलब उनमें दोनों तरह के ऑप्शन अवेलेबल हो, वो होते हैं हाइब्रिड व्हीकल। और इलेक्ट्रिक व्हीकल का मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं। तो जो हाइब्रिड जो इलेक्ट्रिक व्हीकल हैं इनको डेवलप करने के लिए फेम स्कीम है वो आई थी, और यह हैवी जो इंडस्ट्री वाली मिनिस्ट्री है ना अपनी, उसकी है स्कीम है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। तो अभी इसका सेकंड फेज यहाँ बोल सकते हैं वो स्टार्ट किया जा रहा है, और उसका मोटो क्या है, इसका मोटो ये रखा गया है कि भाई आप इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल लेके आ रहे हो या फिर हाइब्रिड व्हीकल लेके आ रहे हो तो उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तो होना चाहिए ना। जिस तरीके से देखो डीजल व्हीकल या पेट्रोल व्हीकल होते हैं इनके लिए जगह जगह पे पेट्रोल पंप होते हैं, उसी तरीके से इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए भी चार्जिंग पॉइंट या चार्जिंग स्टॉप भी तो होने चाहिए जगह जगह पे। तो उन सबको डेवलप करने के लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप है वो करने के लिए इसका स्टार्टिंग है वो की जा रही है। तो इसमें अभी 10,000 करोड़ तक का फंड है वो दिया जा रहा है 3 साल के लिए, ताकि जगह जगह पर आउटलेट या बोले कि हम एक तरीके से चार्जिंग फैसिलिटी है वो प्रोवाइड करवाई जा सके इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए कॉमर्शियल तौर पर। प्रावधान ये किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा अभी प्रस्ताव के तौर पे कि इलेक्ट्रिक बस हैं, 3 व्हीलर्स हैं या फिर 4 व्हीलर जो कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बसें हैं या कॉमर्शियल पर्पज़ की जो बसें हो गई हैं, इनके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किया जाएगा कि वो भी भाई इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करके आगे चलें। तो इसी को लेकर बात यहाँ पर की गई है। इसके साथ ही इसमें लिथियम आयन बैटरी का यूज़ किया जाता है, आपको पता है मेनली चार्जिंग के लिए। तो लिथियम आयन बैटरी हैं वो अच्छी क्वालिटी की हो सके, इंडिया के अंदर हो जाए, उसमें इनोवेशन लाया जा सके, इसके लिए यहाँ पर फोकस है वो किया जाएगा। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है मुस्लिम लीग को ले गए हैं। अभी देखो काफ़ी न्यूज़ में था, इलेक्शन का टाइम है, तो एक बार हम देख लेते हैं। देखो वैसे तो आपको बताओ कि मुस्लिम लीग है वो 1906 में बनाई गई थी, वो एक पॉलिटिकल पार्टी थी उस टाइम पे, 1906 में ब्रिटिश एम्पायर के टाइम पे बनाई गई थी। आप ये बताइए कि ब्रिटिश जो मुस्लिम लीग है इस टाइम पे इंडिया का वॉइसरॉय या गवर्नर जनरल कौन था, ये आपको बताना है। यानी कि 1906 में गवर्नर जनरल या वॉइसरॉय था उस टाइम पे वो कौन था, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइए। और उस टाइम पे देखो जो मुस्लिम लीग का मोटो ये था कि इसकी जो सोच थी या इसकी जो एक्टिविटी थी वो ये थी कि वह मुस्लिम इंटरेस्ट है इनको सर्व किया जा सके, और बाद में इसी के बेसिस पे पाकिस्तान की मांग है वो 1936 में स्टार्ट हो गई थी, वो 1947 में पाकिस्तान है वो एक अलग से देश है वो बना था। अब देखो बाद में जब भारत आज़ाद हो गया था, इसके बाद में जो अहम अगर हम बात करें मुस्लिम लीग है वो 2 भागों में बढ़ चुकी थी, वो भी हम देखेंगे। बट पहले एक छोटा सा फैक्ट ये देख लेते हैं कि मुस्लिम लीग के उस टाइम पे हेड कौन थे और उस टाइम पे क्या क्या मूवमेंट वगैरह स्टार्ट की गई थी। तो जैसे आपने पढ़ा होगा मॉडर्न हिस्ट्री में स्पेक्ट्रम में कि सर सैयद अहमद खान थे, उनका काफ़ी अहम रोल रहा था और उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है उससे काफ़ी लोगों को साक्षर करने में भी योगदान दिया था, और मुस्लिम लीग की स्थापना में भी उनका काफ़ी बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है वो रहा था। और 1906 के अंदर जो कांग्रेस का सेशन था वो लखनऊ में हुआ था, आपको पता होगा, और वहीं पे इसकी बात है वो की गई है। अब हम बात करें आज़ादी के बाद में, आपको पता है एक साइड तो बन गया पाकिस्तान और एक साइड आपको पता है ईस्ट पाकिस्तान भी बना था। तो उस दौरान हुआ क्या था, जो पाकिस्तान के अंदर मुस्लिम लीग थी ना वो तो बेसिकली मुस्लिम लीग है, वो तो किसके सानिध्य में थी, वो थी मोहम्मद अली जिन्ना के सानिध्य, मतलब मोहम्मद अली जिन्ना थे वो इसको लीड है वो करते हुए बढ़ रहे थे वेस्ट पाकिस्तान में। तो और बात करें ईस्टर्न पाकिस्तान में तो वहाँ पे आवामी लीग जो मुस्लिम लीग पार्टी थी वहाँ की, जहाँ की अभी हेड है वो शेख हसीना है, तो वो एक्चुअली वहाँ के हेड थे उस टाइम पे। खैर आवामी लीग के जो हेड थे वो उस टाइम पे अदर पर्सन थे, जो कि आलम जो हमारी हम सॉरी जो बोल सकते हैं बांग्लादेश की भी प्रधानमंत्री हैं इनके पिता थे वो, और उन्हीं के नाम पर उनका नाम है वो रखा गया था। तो ये बेसिकली मुस्लिम लीग के बारे में कुछ फैक्ट थे, तो यूपीएससी में भी पूछ सकती है गवर्नर जनरल वगैरह के बारे में भी, तो हमें यहाँ पे कुछ फैक्ट ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट देखो जो हम यहाँ पे बेसिकली जो इंस्टीट्यूट देख रहे हैं कि जिनके हेड हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। देखो यूपीएससी की बार पूछ लेती है, तो नीति आयोग को आपको पता होना चाहिए कि चेयरपर्सन जो हेड होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं।
इसके साथ ही नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल है, इसके हेड भी प्रधानमंत्री होते हैं। इसके साथ ही नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी के हेड भी प्रधानमंत्री होते हैं। इसी के साथ ही नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल यानी NDC है। इसके साथ ही नेशनल कमीशन फॉर पोल्यूशन कंट्रोल, इसके साथ ही डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी, इंडियन बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, और इसी के साथ ही नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। ये थोड़ा ध्यान में रखना है, यहाँ पे होम मिनिस्टर नहीं है। वैसे तो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, वो होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है, बट इसके हेड या चेयरपर्सन है वो प्रधानमंत्री होते हैं। इसके साथ ही काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च है, इसके हेड भी प्रधानमंत्री होते हैं। और यहाँ पे जो काउंसिल फॉर क्लाइमेट चेंज है, इसके हेड भी प्रधानमंत्री होते हैं। आप ये बताइए कि जो वाइल्ड लाइफ बोर्ड है, इसका हेड कौन होता है? वाइल्ड लाइफ जो बोर्ड है हमारा, वाइल्ड लाइफ बोर्ड ऑफ इंडिया, इसके हेड है वो कौन होते हैं? नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो आया है कोनियाक ट्राइब डांस को लेके। देखो, कोनियाक डांस है ना, वो बेसिकली जो स्प्रिंग सीजन या वसंत ऋतु की शुरुआत में किया जाता है, और यह एक नागालैंड की एक ट्राइब है कोनियाक, उसके द्वारा इस तरीके से इसको डांस परफॉर्म है वो किया जाता है। तो अभी कंटेक्स्ट यह है कि नागालैंड की जो महिलाएं हैं, लगभग 4,700 महिलाओं ने कोनियाक डांस को यहाँ पे प्रस्तुत किया, और एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है वो बना है। बेसिकली जो कोनियाक ट्राइब है, नागा ट्राइब की एक सब ट्राइब है जो कि काफ़ी उग्र मानी जाती है। तो यह आपको ध्यान में रखना है, कोनियाक ट्राइब के बारे में UPSC पूछ सकती है। एक है याक डांस भी, जो याक डांस है ये है बेसिकली अरुणाचल प्रदेश का, तो इसमें कन्फ्यूज़ नहीं होना है। याक डांस है अरुणाचल प्रदेश का, और कोनियाक डांस है वो है नागालैंड की कोनियाक ट्राइब का। तो ये दो चार छोटे छोटे फैक्ट हैं आर्ट एंड कल्चर के। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है इंडिया अफ्रीका इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट को लेके। कंटेक्स्ट ये है कि भी इंडिया का जो नाबार्ड है, और इसी के साथ ही हम बात करें अफ्रीका के बीच में एक MOU साइन किया गया है, ताकि वहाँ पे एग्रीकल्चर को लेकर डेवलपमेंट वगैरह को सुनिश्चित किया जा सके, कि वहाँ के लोगों को सपोर्ट है वो भी दिया जा सके, उनमें स्किल है वो डेवलप की जा सके। तो पहला तो इसमें दो चार छोटे छोटे फैक्ट हैं, इंडिया की तरफ से जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री है वो, और इसी के साथ ही नाबार्ड कंसल्टेंसी सर्विसेज। देखो, नाबार्ड जो कंसल्टेंसी सर्विसेज है, यह नाबार्ड की एक सब्सिडरी कंपनी है। जो नाबार्ड के बारे में आपने सुना होगा, उसी की सब्सिडरी कंपनी है नाबार्ड कंसल्टेंसी सर्विस। इसका काम क्या है? यह कंसल्टेंसी, या आप बोल सकते हैं कि एक तरीके से इन जानकारी इन्फॉर्मेशन देने के लिए बनाई गई है कंसल्टेंसी सर्विस के तौर पर। और इसका जो ऑब्जेक्टिव वो यही है कि जो पैन अफ्रीकन इंस्टीट्यूट के तौर पे काम करेगी, कि अफ्रीकन कंट्रीज के जो पर्सन है जिनको ट्रेनिंग दी जाएगी, इसके साथ ही उनमें कैपेसिटी बिल्डअप की जाएगी। क्योंकि आपको पता है कि इंडिया अफ्रीका के अंदर कैपेसिटी बिल्डअप के लिए, स्किल डेवलपमेंट के लिए काफ़ी सारे प्रोग्राम चला रहा है, और उसी की तर्ज पर इसको स्टार्ट किया गया है। देखो, स्टार्टिंग में जो ये इंस्टीट्यूट बनाया जा रहा है, इंडिया अफ्रीका इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इसमें जो 3 साल स्टार्टिंग में फंड है वो हमारे देश की गवर्नमेंट ही देगी, और उसके बाद में आपस में स्टेट है वो देखेंगे। जो फंडिंग है स्टार्टिंग की, सारी जो भी फंडिंग हो गई, ट्रेवलिंग की हो, चाहे लॉजिस्टिक हो, या फिर जो कोर्सेज हो गए हैं स्टूडेंट को, जो भी खर्चा हो, सारा खर्चा स्टार्टिंग के 3 साल में तो है वो इंडियन गवर्नमेंट ही वहन करने वाली है। और ये जो ये डेवलपमेंट प्रोग्राम स्टार्ट किया जा रहा है, ये किया जाएगा मालावी में सेंटर बनाते हुए। तो मालावी की लोकेशन इंपॉर्टेंट है। मालावी है, देखो, एक लैंड लॉक कंट्री है वैसे तो, एक साइड इसके मोजाम्बिक है, एक साइड तंजानिया है, यहाँ पे मालावी आपको दिख रहा होगा। ये इसकी लोकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो UPSC लोकेशन के बारे में भी यहाँ पूछ सकती है। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो है CCMB, यानी कि सेंटर फॉर सेलुलर एंड मोलिकुलर बायोलॉजी। कंटेक्स्ट भी हम देखते हैं, सबसे पहले हम कंटेक्स्ट डिस्कस करते हैं। देखो, जो सेंटर फॉर सेलुलर एंड मोलिकुलर बायोलॉजी है ना, इसके द्वारा एक ऐसे एंजाइम को डेवलप किया गया है, जो एंजाइम क्या करेगा, बैक्टीरिया के जो वॉल, सेल वॉल है ना, इसको ब्रेक कर देगा। बैक्टीरिया से जो दूसरे बैक्टीरिया बनते हैं एक से दूसरे, या बोल सकते हो कि बैक्टीरिया निरंतर ग्रोथ करते रहते हैं, वो ग्रोथ रुक जाएगी, और कहीं ना कहीं ये काफ़ी हेल्पफुल है वो साबित होगा आगे नई ड्रग्स वगैरह बनाने में। अब कौन सा नया एंजाइम बनाया गया है, वो भी UPSC पूछ सकती है। एक तो है सिसरोस एंजाइम, तो ये आप ध्यान में रखना है, सिसर जो एंजाइम है ये डेवलप किया गया है CCMB के द्वारा, जो कि एक बैक्टीरिया को ख़त्म कर लेगा, या बैक्टीरिया की वॉल को ख़त्म कर देगा, जिससे आगे नए बैक्टीरिया नहीं बन पाएंगे। तो ये काफ़ी बड़ी रिसर्च का यूज़ है, काफ़ी बड़े एरिया में हो सकता है। अब हम बात करें CCMB, यह देखो एक इंडियन बायोटेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट है, जो कि हैदराबाद में बनाया गया था 1977 में, और इसकी जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो है उस काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, यानी कि CSIR है, उसके अंतर्गत यह काम है वो करता है। और इसके साथ ही CCMB को यूनेस्को के द्वारा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का दर्जा भी दिया गया है यूनेस्को के द्वारा, ये फैक्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यही लेकिन इसके छोटे छोटे फैक्ट थे।
तो देखो ये थे आज के हमारे आर्टिकल। आज हमने बेसिकली सबसे पहले तो आज हमने फेम स्कीम के बारे में डिस्कस किया, फिर मुस्लिम लीग के बारे में जाना, इसी के साथ ही हमने जो प्रधानमंत्री हेड होते हैं जिन ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूट के, वो हमने कवर किए, कोनियाक ट्राइब के बारे में हमने जाना, याक डांस के बारे में हमने देखा, इसी के साथ ही हमने इंडिया अफ्रीका इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के बारे में जाना, जो कि इंडियन गवर्नमेंट और अफ्रीकन गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव है, मालावी में इसको स्टार्ट किया जा रहा है। इसी के साथ हमने यहाँ पे सेंटर फॉर सेलुलर एंड मोलिकुलर बायोलॉजी के बारे में डिस्कस किया। तो फिलहाल के डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।